हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोविनेशन। आज है हमारा अ क्वेश्चन अ डे का डे 16। 4 दिनों में अ क्वेश्चन अ डे खत्म हो जाएगा, तो प्लीज आखिरी के कुछ दिन अच्छे से कर लो। उसके बाद बताओ प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और जाके इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड डाउनलोड कर लो इस लिंक पे। इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड बहुत यूनिक वे है प्रिपेयर करने का, और बहुत मतलब ऐसा है कि आप रैंडमनेस में भी पढ़ सकते हो। जैसे आप जाओगे, आप इंस्टाग्राम खोलोगे, आप कुछ कर रहे हो, फीड चेक कर रहे हो, अगर आपको मन किया कि चलो कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ प्रोडक्टिव कर लेता हूँ, जाके रेडोविनेशन का पेज खोलो इंस्टाग्राम पे। वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत रैंडमली अरेंज है। रैंडमली अरेंज करने का रीजन यही था मेरा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वे में पढ़ रहे हैं, गए किसी भी पोस्ट पे क्लिक किया, एक फॉर्मूला देख लिया, बंद कर दिया। ऐसा होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको थोड़ा रैंडम रखा था। तो जाके देख लो, बहुत यूनिक वे है। और मुझे बताओ कि आपको इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स कैसे लग रहे हैं, या आपको कोई सजेशन होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, चलो डे 16 स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में हम करने वाले हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 19 टाइम्स पूछा जाता है, और अभी के लिए नहीं, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक कोर्स है इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में कोर्स था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस पे भी एक कोर्स आता है आगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी भी मतलब JEE के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। इसके बाद हम केमिस्ट्री में देखेंगे हाइड्रोजन, मेंस में आते हैं क्वेश्चन ज्यादातर, एडवांस में तो हाइड्रोजन का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो या मेंस में तो आते हैं, तो ठीक है, तो हाइड्रोजन करेंगे हम केमिस्ट्री में। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कब यूज कर सकते हैं, किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तब हम यूज कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हम देखेंगे सबसे पहले। तो कंसेप्ट पे आता है, देखो अगर मेरा कोई इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, वाई डैश प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, अगर इस फॉर्म में, देखो यहाँ पे एक वाई डैश मतलब एक डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, एक नॉर्मल वाई वाली टर्म है, और वाई को मल्टीप्लाइड जो है वो एक फंक्शन ऑफ एक्स है, और क्यू ऑफ एक्स एक नॉर्मल फंक्शन ऑफ एक्स है, ये दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अगर इस फॉर्म में मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं लिख सकता हूँ, इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जिसको मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको मैं अगर आई एफ लिखू या आई लिखू, जो भी है आई आई एफ ही लिख दो, वही प्रेफरेबल है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो इसके बाद मैं इसका जो इंटीग्रेशन है फाइनल, उसको लिख सकता हूँ वाई मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ सी, ये होगा मेरा फाइनल आंसर। समझ गया, यही कंसेप्ट है। तो अब देखो, अब हम चेक कैसे करेंगे किसी भी क्वेश्चन में कि ये इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा सकते हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो डी एक्स से डिवाइड कर दूंगा हर जगह, तो क्या होगा वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मुझे dy बाई डी एक्स, अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा पहले dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, कुछ नहीं किया मैंने, बस इन दो को इस साइड शिफ्ट कर दिया। अब मुझे नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं x से डिवाइड कर दूंगा, तो dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो, अब कंपेयर करो, तो ये बन रहा है मेरा वाई डैश, ये बन रहा है मेरा पी ऑफ एक्स इंटू वाई, और ये बन रहा है क्यू ऑफ एक्स, मतलब इसमें मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली टर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कंसेप्ट लगा सकता हूँ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो क्या होगा ई टू द पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स, क्या होगा यहाँ पे माइनस वन बाय एक्स, माइनस वन बाय एक्स डी एक्स, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो होगा ई टू द पावर माइनस एल एन एक्स, अगर ये माइनस साइन इधर जाएगी तो 1 बाय एक्स, और e टू द पावर ln 1 बाय एक्स क्या होगा मेरा 1 बाय एक्स, मतलब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 बाय एक्स। अब मैं डायरेक्टली मेरे इंटीग्रल को क्या लिख सकता हूँ, मतलब मेरे फंक्शन को, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल log ऑफ x बाय एक्स, जो कि होगा मेरा q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एक्स dx, जिसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं y बाय एक्स इज इक्वल टू log x अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं log x को t, तो मेरा x क्या होगा e टू द पावर t,
और dx क्या होगा मेरा, e टू द पावर t dt। तो ठीक है, अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो t अपॉन e टू द पावर माइनस 2t इंटू e टू द पावर t dt, ये मैं dx को लिखा, तो फाइनली क्या मिला मुझे, t इंटू e टू द पावर, सॉरी यहाँ पे e टू द पावर t 2t प्लस 2t होना चाहिए, क्योंकि x मेरा e टू द पावर t था, तो x स्क्वायर e टू द पावर 2t होगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, e टू द पावर माइनस t dt। अब यहाँ पे लगाओ बाय पार्ट्स थ्योरम, ठीक है, इंटीग्रेशन में बाय पार्ट पता है, अगर नहीं पता होगा तो जाके एक बार वीडियो देख लेना बाय पार्ट्स वाली, हमने डिस्कस की थी डे वन में शायद, तो डे वन की वीडियोस देख लेना, ठीक है। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैं कंसिडर करूंगा यू, इसको कंसिडर करूंगा वी, तो मेरा वाई बाय एक्स क्या होगा, वाई बाय एक्स मेरा होगा टी और e टू द पावर माइनस टी, और एक माइनस साइन आएगा इंटीग्रेशन का, माइनस इंटीग्रल ऑफ टी का डिफरेंशिएशन वन, e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रल, e टू द पावर माइनस टी, और एक माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा डी टी प्लस सी, एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए जो हम एंड में लिख देंगे, तो ये होगा टी माइनस e टू द पावर माइनस टी माइनस e टू द पावर माइनस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ इसमें तो वो क्या होगी, देखो अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरा y बाय एक्स होगा माइनस टी, मतलब माइनस लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स प्लस सी, जो कि क्या देगा मुझे, देखो यहाँ पे वन बाय एक्स होगा, तो ये होगा माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस, ये भी होगा वन बाय एक्स प्लस सी, तो यही होगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, फिजिक्स में हम देखने वाले आज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमें वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम और स्लिट विड्थ दी है डी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट दी है कैपिटल इज इक्वल टू 1 मीटर, इंटेंसिटी इज एट 2 पॉइंट दी है, 4 I0 और I0 निकालना है, फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ मिनिमा और इंटेंसिटी एट सम वाई। ठीक है, तो देखो वाई डी एस ई एग्जैक्टली मतलब बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है, तो मैं इस पे एक अलग सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो आप उसके लिए बने रहिएगा। तो अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा कि थेरोटिकली या कंसेप्चुअली इसमें क्या चल रहा है, ठीक है, मैं बस आपको 3 फॉर्मूलेस बताऊंगा जो इसमें यूज करने हैं और आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन मैं आपको मतलब अश्योर कर सकता हूँ कि इस पे मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा अलग। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का जो होता है मेरा लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दूसरा फॉर्मूला होता है मिनिमा निकालने का जो होता है 2n-1 फ्रिंज विड्थ बाय 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2n-1 इंटू लैम्बडा डी बाय 2d, और एक तीसरा फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का जो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई, डेल्टा फाई मेरा होता है फेज डिफरेंस जिसको मैं लिखता हूँ 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। सारे फॉर्मूलेज हमने लिख लिए हैं, चलो पहली चीज पे जाते हैं, फ्रिंज विड्थ निकालना है, तो फ्रिंज विड्थ मेरा क्या होगा, बेटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाय डी, तो लिखो इसको 5000 इंटू 10^-10 इंटू 1 अपॉन 10^-3, तो ये कितना देगा मुझे, 5 इंटू 10^, यहाँ पे होगा -7 अपॉन 10^-3, तो ये कितना होगा, 5 × 10^-4 मतलब 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो मेरी फ्रिंज विड्थ आ गई 0.5 मिलीमीटर। दूसरी चीज पे जाते हैं, डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमा, तो मैंने बोला था कि 2n-1 इंटू फ्रिंज विड्थ बाय 2, तो n होना चाहिए 5, तो 5 × 10^-1 9 इंटू 0.5 बाय 2, तो ये देगा मुझे 2.25 मिलीमीटर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे आता है, थर्ड में मुझे निकालना है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए, और फेज डिफरेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए। तो देखो जनरली यहाँ पे मेरा जो वाई है वो बहुत ज्यादा छोटा है कैपिटल डी से, तो यहाँ पे मैं जो पाथ डिफरेंस है उसको सीधा लिख सकता हूँ, पाथ डिफरेंस होगा मेरा वाई इंटू डी अपॉन डी। ठीक है, ये मेरा पाथ डिफरेंस होगा, तो मैं फेज डिफरेंस क्या लिख सकता हूँ, फिर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अगर इसमें सॉरी 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स मेरा क्या होगा, डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूँ वाई डी बाई डी, वाई इंटू डी बाय डी। तो अगर आप सॉल्व करोगे ना इसे, तो
तो आपको डेल्टा जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 4π/3। ठीक है, तो अगर आपका पाथ डिफरेंस आ गया 4π/3 और मेरे पास I1 है, I0, I2 है, 4I0, ठीक है, और पाथ डिफरेंस भी है, तो मेरा जो फाइनल I है उसको मैं लिख सकता हूँ I0 प्लस 4I0 प्लस 2 × 2 × I0 इंटू कॉस ऑफ 4π/3, मतलब पाई प्लस पाई बाय थ्री। तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस नेगेटिव और ये होगा -1/2। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा फाइनल आंसर आएगा 3I0। ठीक है, तो इंटेंसिटी एज y इक्वल टू 1/3 mm मेरा होगा 3I0। ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले थे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में हम डिस्कस करने वाले हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ऐसा कोई कंसेप्चुअल टॉपिक नहीं है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं है इसमें, चीजें याद रखनी है, अगर आपने याद रख ली तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और हार्डनेस ऑफ वाटर पे सवाल आते हैं, काफी सवाल आते हैं, तो आप ट्राई करना कि आप हार्डनेस ऑफ वाटर वगैरह वाला कंसेप्ट पढ़ लो एक बार। वैसे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में प्लीज यस लिख दो, तो मैं हाइड्रोजन पे वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सीधे कंसेप्ट है, मैं कुछ कुछ चीजों का बता दूंगा कि एग्जैक्टली होता क्या। जैसे देखो, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हार्डनेस ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन इट्स सोप कंज्यूमिंग पावर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो हार्ड वाटर होता है इसके अंदर कैल्शियम कंस्टिट्यूएंट होते हैं, और कैल्शियम के साथ सोप रिएक्ट कर जाता है और वो सोप स्कम फॉर्म करता है। ठीक है, तो अगर मेरा वाटर ज्यादा हार्ड है, मतलब उसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होगा, अगर कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होगा तो वो सोप ज्यादा खाएगा, मतलब अगर मेरा वाटर, मतलब मेरा जो हार्डनेस है वो सोप कंज्यूमिंग पावर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो मेरा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो CaHCO3 2 और MgHCO3 2, ये दो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू सोल्यूबल सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। अब ये पढ़ते हैं कि परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग वाटर, तो परमानेंट हार्डनेस हम बॉइलिंग वाटर से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, हम टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं, अगर यहाँ पे टेम्पररी होता तो हमारा जवाब सही होता, लेकिन हम परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग, उसको वाटर को बॉइल करने से रिमूव नहीं कर सकते, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद खत्म हो गया डे 16, डे 17, 18, 19, 20, 4 दिन बाकी है, अच्छे से कर लो। इसके अलावा ये एक वीडियो बनाया था मैंने कि JEE पोस्टपोन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मतलब मैंने मेरा एनालिसिस किया था, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा आप अगर इस कार्ड पे क्लिक करोगे तो वो भी आपको उसकी सही जगह पे लेके जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जाके इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड देखो, बहुत यूनिक वे है स्टडी करने का, बहुत रैंडमनेस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे है। इसके अलावा हमने स्टोरीज लॉन्च किए इंस्टाग्राम पे, जो कल से डालेंगे हम, तो वो भी आप फॉलो करना, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, तो ट्राई करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो सब और फैला दो। इसके अलावा कल मिलते हैं, ओके बाय।